हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको इविडेंस एक्ट की एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। एक मुक्किल बस है जो कि एक अटॉर्नी है, कहता है कि मैंने जालसाजी की है, मैं चाहता हूं कि आप मेरी प्रतिरक्षा दीजिए। क्या ऐसी सूचना प्रकटीकरण से संरक्षित है? क्या कह रहा है कि एक मुक्किल बस है जो कि अटॉर्नी है, कहता है कि मैंने जालसाजी की है, मैं चाहता हूं कि आप मेरी प्रतिरक्षा दीजिए। क्या ऐसी सूचना प्रकटीकरण से संरक्षित है? प्रस्तुत समस्या इविडेंस एक्ट साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 के दृष्टांत क पर आधारित है। क्या कह रहा है धारा 126? तो वित्तीय संसूचनाओं के प्रकटीकरण से संरक्षित के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 126 में वित्तीय या व्यावसायिक संसूचनाएं है। क्या कहता है? कोई भी एडवोकेट अपने कक्षीकार क्लाइंट के अभ्यक्त सहमत के बिना ऐसी संसूचनाओं को जो कि उसके नियोजन के अनुक्रम में कक्षीकार द्वारा या उसकी ओर से दिया जाता है या ऐसे दस्तावेज से या नियोजन के अनुक्रम में परिचित हुआ था। तीसरा है कि किसी राय को जो उसने कक्षीकार को दिया है। क्या कह रहा है कि वित्तीय संसूचनाएं या व्यावसायिक संसूचनाओं को संरक्षण के बारे में 126 में है। तो कहता है कि कोई भी एडवोकेट अपनी क्लाइंट की अभ्यक्त सहमत के बिना, क्या कह रहा है, कोई भी एडवोकेट अपने कक्षीकार या क्लाइंट की सहमत के बिना किसी भी संसूचना को जो कि नियोजन के अनुक्रम में क्लाइंट द्वारा या उसकी ओर से दिया गया है, नियोजन के अनुक्रम में कक्षीकार द्वारा या उसकी ओर से दिया गया है या किसी दस्तावेज से यह नियोजन के अनुक्रम में परिचित हुआ था या उसकी राय जो कि उसने क्लाइंट को दी है, ऐसे प्रकटन करने की अनुज्ञा नहीं दिया जाएगा, उसे प्रकट करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। फिर एक्सप्लेनेशन क्या कहता है स्पष्टीकरण की, इस धारा में वर्णित बाध्यता नियोजन के समाप्त होने के बाद भी बनी रहती है। धारा 126 में के दो अपवाद वर्णित किए गया है जो कि संसूचना को प्रकट किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि अगर कोई एडवोकेट है वह अपनी कक्षीकार या क्लाइंट की अभ्यक्त सहमत के बिना कोई भी संसूचनाओं को जो कि उसके नियोजन के अनुक्रम में क्लाइंट द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त हुआ है या किसी दस्तावेज को जो कि नियोजन के अनुक्रम में उसे परिचित हुआ है या किसी राय को जो कि कक्षीकार को दी गई है प्रकट करने के लिए अनुज्ञा नहीं दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन करता है कि अगर नियोजन की समाप्ति भी हो गई है तब भी वह उसे तब भी जो अधिवक्ता है वह उसे प्रकट नहीं कर सकता। धारा 126 के दो अपवाद हैं। क्या कह रहा है, पहला कि किसी अवैध प्रयोजन को अग्रसर करने में दी गई सूचना, अगर कोई क्या कह रहा है अवैध प्रयोजन को अग्रसर करने में कोई संसूचना दी जाती है तो वह ऐसी संसूचना, या फिर दूसरा कहता है नियोजन प्रारंभ होने के बाद कोई अपराध या कपट किया गया हो। कह रहा है कि अगर कोई अवैध प्रयोजन को अग्रसर करने में कोई सूचना दी गई है या नियोजन प्रारंभ होने के बाद कोई अपराध या कपट किया गया है तो ऐसी संसूचना प्रकट करने से संरक्षित नहीं है। फिर क्या कह रहा है, प्रस्तुत समस्या में एक मुवक्किल बा से जो कि उसका एक अटॉर्नी है, कहता है कि मैंने जालसाजी की है, सॉरी, मैं चाहता हूं कि आप मेरी प्रतिरक्षा करें। प्रस्तुत समस्या में अपने एडवोकेट के नियोजन के अनुक्रम में यह सूचना देता है कि मैंने जालसाजी की है, आप मेरी प्रतिरक्षा करें। क्योंकि ऐसी संसूचना नियोजन के अनुक्रम में विश्वास में रहते हुए एडवोकेट को दी गई है। क्या कह रहा है कि ऐसी संसूचना क्या है, नियोजन के अनुक्रम में विश्वास में रहते हुए जो अधिवक्ता है एडवोकेट है उसको दी गई है, और न तो यह अवैध प्रयोजन के अग्रसर करने में की गई है और न ही नियोजन प्रारंभ होने के पश्चात कपट किया गया है। क्या कह रहा है कि जो अपने एडवोकेट के नियोजन के अनुक्रम में कोई सूचना देता है कि मैंने जालसाजी की है तो वह नियोजन के अनुक्रम में दी जाती है, इसलिए जो है कहता है कि पूरे विश्वास के साथ एडवोकेट को दी गई है और न ही यह अवैध प्रयोजन को अग्रसर करने के लिए दी गई है और न ही नियोजन के बाद किसी कपट को करने के लिए दी गई है। अतः प्रस्तुत समस्या में वह ऐसी संसूचना को प्रकट नहीं कर सकता जो कि नियोजन के अनुक्रम में द्वारा उसे दी गई है। क्या कह रहा है, ऐसे मामलों में जो
वह है एडवोकेट है सॉरी अटर्नी है, वह ऐसी संसूचना को प्रकट नहीं कर सकता और क्योंकि वो जो संसूचना है उसे नियोजन के अनुक्रम में अ द्वारा दी गई है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसे अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।